नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरीश केली, व्यवसाय से एक चिकित्सक हूँ, टू बी प्रिसाइज से एक एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर सपना केली भी एक डॉक्टर हैं और वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हमारा रोहिणी दिल्ली में अपना एक नर्सिंग होम है। मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी काफ़ी सक्रिय हूँ और वर्ष 2021-22 में मैं DMA का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। लेकिन इन सबसे ऊपर बढ़कर ये है कि आज मैं एक बांस आधारित एग्रो स्टार्टअप बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये अचानक बांस के प्रति जागी रुचि का कारण क्या है। तो बांस में मेरी रुचि जगाने का या बांस से मेरा परिचय कराने का पूरा श्रेय जाता है श्री आशीष भटनागर को। आशीष मेरे बचपन के बाल सखा डॉक्टर राजीव भटनागर के भतीजे हैं और इसीलिए स्नेहवश ये मुझे चाचा जी कहकर बुलाते हैं। आशीष 17 वर्ष तक ट्राइडेंट ग्रुप से जुड़े रहे, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़े रहे और इन्होंने अपनी IT कंपनी का संचालन भी किया, लेकिन 2017 में सब कुछ छोड़कर इन्होंने बांस से दोस्ती कर ली और आज ये बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के CEO और MD भी हैं। बांस के विषय में इनकी जानकारी इतनी है कि इनको बांस संबंधित जानकारी के लिए एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आशीष से मुलाकात होने से पहले मेरी बांस के बारे में जानकारी बड़ी लिमिटेड सी थी। मुझे मालूम था कि बांस को खेतों में किसान बाउंड्री बनाने के लिए, मेड़ बनाने के लिए, फेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर बनाने में, झोपड़ियां बनाने में बांस का इस्तेमाल होता है। सोफा, कुर्सी, मेज, मूड़े बांस से ये बनाए जाते हैं। बांस की चटाइयाँ बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट की, हस्तशिल्प की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, बच्चों के खिलौने, बांसुरी, पतंग, अगरबत्ती और अंत में अर्थी तक बांस से बनती है। बांस की कुछ खाने के लिए भी बांस का इस्तेमाल होता है, जब कच्चा बांस होता है। दवाइयों में बांस का इस्तेमाल होता है। बस इतनी लिमिटेड सी मेरी नॉलेज थी बांस के बारे में। और फिर जब आशीष ने एक अनौपचारिक चर्चा में मुझे बांस के कुछ नए नए फायदे, नए नए उपयोग और विस्तृत जानकारी दी तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। आशीष की बातों को कंफर्म करने के लिए मैंने गूगल का सहारा लिया। क्योंकि लॉकडाउन था, खाली थे, तो मैंने बहुत सारे वेबिनार्स भी अटेंड किए और ये सब पढ़ने जानने के बाद मुझे पता चला कि जितना आशीष ने बताया है, बांस तो उससे बहुत बड़ी चीज है। आज थोड़ी सी जानकारी आपके साथ भी साझा करता हूँ। बांस की जानकारी को समझने के लिए 3 तरीकों से समझा जा सकता है कि बांस की हिस्ट्री, बांस का प्रेजेंट और बांस का फ्यूचर। जहां तक बांस के इतिहास की बात करें तो भारत दुनिया में चीन के बाद बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे यहाँ 1,40,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस उगाया जा रहा है और हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, उसका लगभग 13% बांस के फॉरेस्ट है, बांस के वन है। हमारा एनुअल उत्पादन जो है बांस का वो 32 लाख टन से ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया भर में जब बांस का जो ट्रेड होता है, जो बांस का व्यवसाय होता है, उसमें हमारी भागीदारी सिर्फ 4% है और हम अपनी जरूरत का भी लगभग 40-50% बांस जो है हम बाहर से आयात करते हैं। तो ये बहुत दुविधा वाली स्थिति है। इसका कारण मैं भी जानना चाहता था, आप भी जानना चाहते होंगे। तो इसका मुख्य कारण ये है कि अंग्रेजों ने 1927 में जब भारतीय वन अधिनियम की बनाया तो उसमें बांस को एक पेड़ की कैटेगरी में डाल दिया। बांस को काटने के लिए, बांस को उगाने के लिए, बांस को ट्रांसपोर्ट करने को, इसको एक एक जुर्म का मतलब एक कानूनी अपराध बना दिया गया इसको। मतलब किसान अपने खेत में लगे बांस को भी यदि काटना चाहता था तो उसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है और वो परमिशन आसानी से मिलती नहीं थी। अंग्रेजों का पर्पज ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दबाए रखने के लिए, भारतीयों को गरीब बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे कानून वो लाते थे कि किसान बांस ना उगाए। और हुआ भी यही, किसानों ने बांस उगाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसका वर्तमान देखते हैं। वर्तमान में आजादी के बहुत साल तक सरकारों की का ध्यान ही नहीं गया बांस की तरफ और वो काला कानून ही चलता रहा। लेकिन अंततः भारतीय सरकार जागी, उन्होंने बांस की उपयोगिता को पहचाना और वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय बैम्बू मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य ये था कि बांस की पैदावार बढ़े, बांस का उपयोग बढ़े, किसानों की बांस के प्रति रुचि हो और व्यवसायियों की बांस के प्रति रुचि हो। और 10 साल के अपने कार्यकाल में दुर्भाग्यवश ये मिशन अपने टारगेट का 10-15% ही अचीव कर पाया।
इस दौरान कुछ दूसरे क्षेत्रों में ऐसे कुछ चीजें हुई जिससे बांस को बहुत फायदा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में एक पेरिस में मीटिंग हुई जिसमें 140 देशों ने हिस्सा लिया और वहां ये निर्णय किया गया कि पेड़ों की कटाई को हम रोकेंगे और 2028 तक पेड़ काटना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान भारत सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया, जो इतने सालों की गलती थी उसे सुधारते हुए 2018 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया और बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर घास की कैटेगरी में शिफ्ट किया। और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी दौरान 2018 में सरकार रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन लेकर आई और पुराने मिशन में जो कमियां थी, जो गैप्स थे, उन्हें भरने का प्रयास किया गया। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को एक बड़े रूप में इस मिशन में शामिल किया गया, न्योता दिया गया। बस इस अवसर को आशीष भटनागर जी ने पहचाना और बांस के प्रति उनका जो प्रेम था, जो उनका बांस के प्रति जो लगन थी, उसको उन्होंने एक व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया और इस तरह से उनके दिमाग में बैम्बू राम का जन्म हुआ, बैम्बू राम कंसेप्ट का जन्म हुआ। बांस का फ्यूचर देखते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर पेड़ कटेंगे नहीं और बांस अब कट सकेगा तो जो पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है उस लकड़ी के लिए हम पूरी तरह से बांस पर निर्भर हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली बांस की कुछ नई जो प्रजातियां हैं, जैसे बैम्बूसा बाल्क हुआ, हिंदी में भीमा बांस कहते हैं जिसे, जो अंदर से ठोस है, ये लकड़ी को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है फॉर पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री। वैज्ञानिक तरीकों से प्रति एकड़ बांस की पैदावार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इस दौरान दो ऐसी बदलाव आए जिससे पूरी दुनिया का ध्यान बांस की तरफ गया। पहला, बायोफ्यूल के सोर्स के रूप में बांस की उपयोगिता और दूसरा पर्यावरण संरक्षण में बांस की उपयोगिता। जहां तक बायोफ्यूल्स का प्रश्न है तो उनका उद्गम ही इसलिए हुआ क्योंकि तो दुनिया जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, ये तेल, डीजल, सीएनजी, कोयला, इस फॉसिल फ्यूल का सबको मालूम है कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। भारत के लिए एक और दुविधा वाली स्थिति है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा इस फॉसिल फ्यूल या इस कच्चे तेल के आयात पर ही खर्च हो जाता है। तीसरा, इस कच्चे तेल की रेट्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, आप कभी प्लानिंग नहीं कर सकते। रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और कच्चे तेल का रेट $60 प्रति बैरल से बढ़ के $300 प्रति बैरल पहुंच जाता है और भुगतते हम जैसे देश हैं। तो दुनिया इस फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही थी और वो बायोफ्यूल के रूप में मिला और वो बायोफ्यूल बायोमास से, यानी पेड़ पौधों से वो बनता है। भारत में इथेनॉल पर बहुत जोर दिया जा रहा है, आप सब जानते हैं, पेट्रोल में वो मिलाया जा रहा है। बायो सीएनजी बहुत तेजी से आ रही है। बायो प्लास्टिक्स और को पॉलीमर्स पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल आप देख रहे हैं, बांस का जो चारकोल है वो आजकल बहुत चीजों में मिलाया जा रहा है, यहाँ तक कि टूथपेस्ट तक में मिलाया जा रहा है। अभी तक भारत में ये बायोमास जो यूज होता था बायोफ्यूल के लिए, वो शुगर केन, मतलब गन्ने और भुट्टे का होता था। और एक एकड़ के गन्ने से या एक एकड़ की भुट्टे की पैदावार से लगभग 500 लीटर इथेनॉल या 500 लीटर सीएनजी बनाई जाती थी। अब जब से इसमें बांस की एंट्री हुई है, बांस ने इतनी तेजी से इस इंडस्ट्री को का रूप बदल दिया है कि बांस, एक एकड़ से जितना बांस पैदा होता है उससे लगभग 10,000 लीटर इथेनॉल बनता है, यानी कि शुगर केन या गन्ने और भुट्टे से 20 गुना अधिक। और साथ ही एक और जरूरी बात कि जब इथेनॉल बायो सीएनजी निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे कंप्रेस करके उसकी ब्रिकेट्स और पैलेट्स बनाई जाती हैं और ये कोयले की जगह इस्तेमाल होती हैं फर्नेस इंडस्ट्री में, भट्टियों में, जहां पर कोयला इस्तेमाल होता है वहां ही। तो मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी उपयोग है बांस का जो सामने आया है। अब पर्यावरण संरक्षण में बांस किस तरह मदद करता है? क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसलिए बांस बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है एटमोसफियर में। साथ ही इसकी गीली पत्तियां धूल के कणों को, PM2.5 और PM10, ये जो प्रदूषण के कण होते हैं, इनको अपने से चिपका लेती हैं। तो बांस ना सिर्फ प्रदूषण के लेवल को कम करता है बल्कि ये एयर क्वालिटी को भी, किसी भी जगह की एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। बांस के बड़े बड़े वन, बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े खेत जहां पर होते हैं, वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान आसपास की जगह से 2-3-4 डिग्री तक कम हो जाता है।
बांस के ऊंचे ऊंचे पौधे जो उनके फार्म्स हैं वो एक तरीके से बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस क्षेत्र का रेनफॉल या बारिश भी उस क्षेत्र में बढ़ जाती है। बांस की जो जड़ है ये मिट्टी को बहुत तेजी से पकड़ के रखती है क्योंकि उसने 100 फुट ऊंचे बांस को खड़ा रखना है। इस वजह से बांस की जड़ मिट्टी के कटाव को रोकती है। यदि हम नदियों के किनारे बांस लगाएंगे तो ये जो भूमि कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, इसमें भी बांस बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकता है। अब बहुत सारी ऐसी जमीन है हमारे देश में जहां हम कुछ भी नहीं उगा पाते। बंजर जमीन है, थोड़ी रेतीली मिट्टी है, पथरीली जमीन है, या वहां पर दलदल बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। आप किसी भी जगह बांस को लगा सकते हैं और बांस की तो नियति है उगना। ये उगेगा, आगे बढ़ेगा और साथ ही आपकी उस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बना देगा। तो ये एक संक्षेप में मैंने आपसे बांस के नए नए उपयोगों, नई नई उसकी यूटिलिटीज पर चर्चा की और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बांस किसी खजाने से कम नहीं है जो हमारी ज्यादातर समस्याओं का निवारण करने की क्षमता रखता है। और डिटेल में आप गूगल पर जान सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत लेवल पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था इतना जान लेने के बाद बांस से जुड़ना। तो बांस से जुड़ने के लिए बैम्बूराम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म, कोई मंच है ही नहीं। हमारा मुख्यालय भोपाल में है, आशीष जी हमारे CEO और MD हैं और हमारी वेबसाइट है www.bamburamagro.com। आप इस वेबसाइट पर जाइए, इसे खंगालिए। बांस के बारे में, बैम्बूराम के बारे में आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी और आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ये हमारा जो बैम्बूराम की मैनेजमेंट टीम है, तो हमारा फाउंडर ग्रुप है और आप देख सकते हैं कि 5 निदेशकों में से, 5 डायरेक्टर्स में से मैं एक हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि 2025-26 तक बांस से संबंधित कुछ भी हो तो उसमें बैम्बूराम एक अग्रणी नाम होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि बैम्बू का जो इकोसिस्टम है, बैम्बू की जो इकोलॉजी है और बैम्बू का जो इकोनॉमिक्स है, ये तीनों एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बांस हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी धरती माता, हम सबकी काया पलटने के लिए, हम सब में समृद्धि लाने के की ताकत बांस में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे भी बांस और बैम्बूराम से संबंधित जानकारियां आपसे साझा करता रहूंगा। तब तक के लिए बांस उगाइए, धरती बचाइए। जय बैम्बूराम, नमस्कार।